सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे हम हमारे टेलीस्कोप को हमारे कैमरा से अटैच कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एस्ट्रोगेनी। सो दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी जो है वो एक काफ़ी रिवॉर्डिंग, काफ़ी हम्बलिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आप सामना करते हो जो कि गलत हो सकती है, और उसके बाद आप आपकी फेवरेट चीज़ों को स्काई में रात को देख सकते हो। हो सकता है कोई नेबुला हो सकता है कोई प्लैनेट्स हो, कोई स्टार हो, कुछ भी। सो आपका माउंट अगर ठीक ना चले, अगर लाइटिंग ठीक ना हो, अगर आपका कैमरा सही ना चल रहा हो, या सबसे बड़ी चीज़ अगर वेदर ठीक ना हो, तो आप वो चीज़ कर ही ना पाओ। और ये सारी चीज़ों का सामना करने के बाद वो आपके छोटे से आईपीस पे जब आप सैटर्न के रिंग को क्लियरली देख पाते हो, तो यकीन मानिए वो जो एक्सपीरियंस है वो मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर पाऊँगा। और मुझे यकीन है कि अगर उसी चीज़ को आप अगर कैप्चर कर पाओ और आपके फ्रेंड्स को, आपके फैमिली के साथ, आपके सोशल मीडिया पर लोगों से शेयर कर पाओ, तो वही जो आपका सेटिस्फैक्शन है वो पहले तो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होगा और फिर वो 3 गुना बढ़ जाएगा। सो मैं आपको तरीका बताऊंगा जिससे हम हमारा कैमरा हमारे टेलीस्कोप से अटैच कर सकते हैं, जैसे कि प्राइम फोकस कहते हैं। बट बाय द वे, एक और चीज़ है जिसे हम ये अचीव कर सकते हैं, विच इज़ अ सीक्रेट, जो मैंने ये वीडियो के एंड में बताई है। सो मेक श्योर कि यू स्टिक अराउंड टिल द एंड ऑफ द वीडियो और आपको वो भी पता चलेगा, हो सकता है आपके लिए वो सही हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो ईजिली एक्सेसिबल है, मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और आप विद इन अ स्पैन ऑफ आई थिंक 7 डेज और लेस आप ईजिली इसे बटोर सकते हो और आप घर पे यही चीज़ कर सकते हो। हाँ, आपके पास एक बिगिनर लेवल का टेलीस्कोप और एक पुराना DSLR भी चलेगा, ये होना चाहिए। सो विद दैट बिंग सेड, लेट्स मूव अहेड। मेक श्योर कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपके फ़ोन को साइलेंट पे कर दीजिए एंड लेट्स गो। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो ये हमारा टेलीस्कोप है, राइट? ये जो है यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं और ये इसका पीछे का पार्ट है। सो पहली चीज़ हमें ये समझना है कि ये जो चीज़ है, ये जहाँ पे ये मैं आपको निकाल कर दिखाता हूँ ये चीज़ को। सो ये जो चीज़ है हमारी, इसे हम फोकसर कहते हैं। ये एक डायगनल है। ये डायगनल का काम सिर्फ इतना है कि अंदर एक मिरर है, आई डोंट नो इफ़ आप देख पा रहे हो कि नहीं, और जो चीज़ यहाँ से टेलीस्कोप को दिखती है वो आपको यहाँ से वो रिफ्लेक्ट करके यहाँ पर दिखाता है। तो यहाँ पर आप अपने आईपीसेस डालते हो और आप ऑब्जर्व करते हो। सो ये जो फोकसर है ये बेसिकली 2 साइजेस में आता है। बड़े टेलीस्कोप्स में यूजुअली ये 2 इंच के साइज़ में आता है, और छोटे टेलीस्कोप्स लाइक ये 5 इंच मैक्सोटॉप है उसमें 1.25 इंच के साइज़ में आता है। ये स्टैंडर्ड है। इसके अलावा और एक छोटी साइज़ है जो 0.96 इंच में आता है, बट वो बहुत ही नॉन स्टैंडर्ड है और काफ़ी रेयरली दिखने मिलता है आपको। यूजुअली छोटे छोटे टेलीस्कोप्स, टॉय टेलीस्कोप्स में होता है। सो हम वो उस चीज़ की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे 1.25 इंचेस की और 2 इंचेस की। सो 2 इंच के लिए मेरे पास दूसरा टेलीस्कोप है जो मैं आपको शायद वो भी दिखाऊंगा, बट फॉर द टाइमिंग हम देखेंगे कि हमारे पास ये मिररलेस फूजी फिल्म का XT5 कैमरा है, राइट? और इसके अंदर इसका लेंस लगा हुआ है। तो अब मुझे इसे अटैच करना है इसके साथ, तो ऐसे तो अटैच होगा नहीं। सो मुझे पहले तो इसका जो लेंस है उसे निकालना पड़ेगा। फॉर द टाइमिंग जब तक मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसके सेंसर को ढक देता हूँ, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट एनी डस्ट टू बी गोइंग टू द सेंसर। सो जो चीज़ हमें चाहिए वो है ये। सो ये क्या है? ये नोज पीस नहीं है, ये नोज पीस है और ये टी रिंग है। तो ये टी रिंग अलग अलग साइजेस में आता है, जिस साइज़ का आपका कैमरा का सेंसर है उस साइज़ में आपको ये नोज ये टी रिंग मिल जाएगा। आप अमेजोन पे इजीली ढूंढ सकते हो आपके कैमरा के सेंसर के साइज़ के हिसाब से, जो आपके कैमरा के मैनुअल पे या गूगल पे आपको मिल जाएगा। वो साइज़ आपको डालनी है और गूगल पे सर्च करना है कि लेट्स से कि आपका 48mm का कैमरा का सेंसर साइज है और निकॉन का कैमरा आपके पास, तो आप डालोगे 48mm निकॉन टी रिंग और आपको ये मिलेगा ऑनलाइन। तो होता यह है कि इस चीज़ को आप आपके कैमरा के साथ अटैच करते हो। यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक रेड डॉट है, इसको हम ये रेड डॉट के साथ अलाइन करेंगे और ये कनेक्ट हुआ, क्लिक हुआ, और अब ये डायरेक्टली इसमें नहीं जाएगा। सो इसके लिए होता है ये नोज पीस। सो ये नोज पीस के ऊपर थ्रेडिंग है और ये नोज पीस
की थ्रेडिंग को हम यहाँ पे अटैच करेंगे इसके साथ। तो ये जब थ्रेडिंग इसके साथ अटैच होगा ये नोज पीस, तो अब इसके अंदर सीधा कैमरा का सेंसर है, तो आप अगर इसको चालू करोगे कैमरा को तो आपको उसमें कुछ दिखेगा नहीं, राइट, बिकॉज यहाँ पे कोई लेंस नहीं है। सो हमको करना ये है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप ये जो डायगनल है इसे यूज़ करके कैमरा को एट अ 90 डिग्री एंगल सेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको इरेक्ट इमेजेस पसंद है और सीधा देखना है आपको, तो आप इसको यहाँ से सीधा टेलीस्कोप के अंदर डाल के इसके पिंस को टाइट करके जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे कैमरा का मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसा दिखेगा, राइट। ये मैंने टेलीस्कोप के लेंस के कवर को निकाल दिया और मैंने इसको अटैच कर दिया और मैंने कैमरा ऑन कर दिया। तो अब क्योंकि टेलीस्कोप जहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये आपको शायद ना दिखे बिकॉज टेलीस्कोप जहाँ पे पॉइंट कर रहा है वहाँ अंधेरा है, बट अदरवाइज शायद अब आपको दिखेगा। सो आपको स्क्रीन पे कुछ ना कुछ लाइट दिख रही होगी। ये इसके लिए क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा पास हैं कि क्लियर नहीं दिख रही है। सो ये बेसिक आइडिया है प्राइम फोकस पे, इसे प्राइम फोकस कहते हैं। अब अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो मैं आपको, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक और चीज़ आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप चीज़ों को और करीब से देख सकते हैं। सो अब आपको पता है कि टेलीस्कोप और कैमरा के बीच ये टी रिंग और एक नोज पीस है। अगर ये कैमरा और टेलीस्कोप के बीच ये जो नोज पीस है उसके अंदर हम टेलीस्कोप का एक आई पीस सेट कर पाएँ यहाँ पे इसके बीच में, तो आपको जो चीज़ आप सीधे टेलीस्कोप के लेंस से देख रहे थे उसको आप मैग्नीफाई करके आईपीस के पावर से देख सकते हैं, और इसे कहते हैं आईपीस प्रोजेक्शन। ये एक दूसरा मेथड है जिस तरीके से आप प्राइम फोकस से डायरेक्टली कैमरा के और टेलीस्कोप के पावर से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी तरीके से अगर आप इसके अंदर आईपीस लगा दें तो आईपीस का जो मैग्नीफिकेशन है कि 32 mm का या 34 mm का, वो मैग्नीफिकेशन से आप चीज़ों को और नज़दीक ला के कैमरा पे देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें वापस से इसको निकालना पड़ेगा, राइट, और हमें चाहिए होगा ऑफ कोर्स एक आईपीस जो मैं अभी लेके आ रहा हूँ। सो मैं ये 20 mm का आईपीस लेके आया हूँ, राइट। सो आईपीस एक बहुत ही सस्ता वाला, बहुत ही इजीली अवेलेबल आईपीस है जो मैंने पूरे सेट में $20 में ईबे से यूज्ड लिया था। तो आईपीस हमेशा दो पार्ट्स में आता है, ये थ्रेडिंग उसके साथ होता है जिसके मदद से आप इसको ईजीली इसमें बिठा सको और ये थोड़ा डिस्टेंस रहे जिससे कि आप इमेज को देख पाओ क्लियर, बट ये जो थ्रेडिंग है आप इसे निकाल सकते हैं, राइट। तो ये थ्रेडिंग का मैंने इसमें से निकाल दिया, अब ये आधा हो गया। सो ये जो है ये आपका टी रिंग है और ये जो है वो नोज पीस है, और ये दोनों में ये पार्ट जो है कैमरा को लगता है और यहाँ पे आपका नोज पीस अटैच होता है। तो आपको करना ये है कि ये जो नोज पीस है इसे अटैच करने के पहले आपको इसके ऊपर ये, क्योंकि ये हॉलो है, इसको फिट करना है, क्योंकि इसमें भी थ्रेडिंग है और इसमें भी थ्रेडिंग है। सो आप ये देख रहे हो कि मैं इसको अटैच कर रहा हूँ इससे। सो बेसिकली मैंने इसको इसके साथ अटैच किया और पूरा नहीं हो रहा तो मैं सिर्फ इतना ही करके आपको दिखाता हूँ। सो अब मैं इसको वापस, जैसे मैंने इसके साथ अटैच किया हुआ था नोज पीस को, वैसे मैं वापस इसको अटैच कर दूंगा। तो अब आप देख रहे हो कि ये आईपीस यहाँ पे है, राइट। तो अब ये हो जाएगा आईपीस प्रोजेक्शन। तो आपका कैमरा वो नहीं देखेगा जो टेलीस्कोप देख रहा है, आपका कैमरा वो देखेगा जो ये आईपीस के थ्रू टेलीस्कोप देख रहा है। सो अब हम वापस से इसको, ये जो टी रिंग है ये पूरे अडाप्टर को कैमरा से अटैच करेंगे द सेम वे जैसे हमने पहले किया था, और फिर अब इसको वापस जैसे पहले किया था इसमें अटैच कर देंगे सेम वे। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ अलग किया है,
यहाँ से किसी को नहीं पता चलेगा कि आप प्राइम फोकस से चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर आईपीस प्रोजेक्शन से। बट अभी ये आईपीस प्रोजेक्शन है। अगर मैं अब कैमरा को ऑन करूँ तो फिर टेलीस्कोप पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो और नज़दीक आ जाएंगी, क्योंकि वो मैग्नीफाई हो जाएंगी 20 mm से जो मैंने आईपीस अंदर लगाया है। सो आपने देखा कि टेलीस्कोप है, उसका फोकसर है। फोकसर दो साइजेस में आते हैं, एक 2 इंच में, एक 1.25 में। ये 1.25 इंच है और उसके हिसाब से ये जो अडाप्टर है यहाँ पे वो भी 1.25 इंच का है। और ये जो अडाप्टर है, ये टी रिंग, वो हर एक कैमरा के हिसाब से अलग अलग आते हैं। आपके कैमरा के हिसाब से आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है उसको, और फिर उसको यहाँ पे अटैच करके, उसके साथ ये नोज पीस अटैच करके, आपको सीधा फोकसर के अंदर उसको अलाइन करके आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कैमरा से फोटोज ले सकते हैं, आप जो चाहें कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा अटेम्प्ट था जिससे आपको पता चले कि प्राइम फोकस क्या होता है, जैसे आपको पता चले कि आईपीस प्रोजेक्शन क्या होता है। आईपीस प्रोजेक्शन हालांकि एक पुराना मेथड है, काफ़ी लोग अब नहीं करते उसे, बट फिर भी आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं, आपको ये आपकी एक फेवरेट हॉबी है, सो यू शुड नो, राइट? विद दैट बीइंग सेड, बने रहिए मेरे साथ, बिकॉज इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी कि कितने आईपीसेस इनफ हैं, कितने आईपीस होने चाहिए। मेरे पास 5-6 आईपीसेस हैं, और क्या मुझे सच में 5-6 आईपीसेस की ज़रूरत है, या उसे कम में काम चल सकता है, या उसे ज़्यादा चाहिए मुझे, और बार्लो का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट वीडियो के लिए ट्यून इन करें, वो बेल नोटिफिकेशन को एनेबल कर दें, एंड क्लियर स्काइज।